आप सबको आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं रंजन कुमार पांडा, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे, GSTR 1 नील रिटर्न कैसे SMS थ्रू फाइलिंग करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे। टॉपिक को जाने से पहले, मेरा चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन का पर CBIC का ट्वीट है, उसमें देखेंगे गवर्नमेंट क्या कर दिया है कि अभी GSTR नील जो फाइलिंग करते जो RCC के लिए अभी कर दिया गया है कि आप SMS थ्रू आप फाइलिंग कर सकते हैं, यानी आप SMS थ्रू फाइलिंग कर सकते हैं। आपका GSTR 1 नील रिटर्न हो रहा है तो आप SMS थ्रू कर सकते हैं कि आप लॉग इन करना नहीं पड़ेगा, फिर आप वो प्रोसेस नहीं करके, आप ये नया प्रोसेस आ गया है, आप उस प्रोसेस में भी कर सकते हैं लेकिन आप इस प्रोसेस में भी कर सकते हैं, SMS थ्रू कर सकते हैं। देखेंगे कैसे SMS थ्रू करेंगे, क्योंकि 3B इसका एक महीने पहले आ गया था, 3B हम लोग SMS थ्रू फाइलिंग कर सकते हैं, 3B नील रिटर्न, अभी GSTR 1 का भी आ गया तो देखेंगे हम लोग क्या बात करेंगे। ये प्रेस नोट प्रेस रिलीज है, इसमें इसमें बोला गया है कि SMS द्वारा आप फाइलिंग कर सकते हैं GSTR 1, आप नील रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। आपका जुलाई से, आपका जुलाई फर्स्ट वीक से ये शुरू हो जाएगा, यानी 1 जुलाई से आपको ये शुरू होने का हो जाएगा शुरू, आप SMS थ्रू कर सकते हैं 1 वीक से, ठीक है। इसमें बोला गया है, देखिए आप फायदा होगा इस पॉइंट में लिखा है कि GSTR 1 जो है 12 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के हो, इसमें बेनिफिट मिलेगा कि वो SMS थ्रू वो नील रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं GSTR 1, तो इसमें 12 लाख टैक्स पेयर को, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फायदा इसमें होगा। अभी देखेंगे हम लोग प्रोसेस क्या है उसका। देखिए आप GSTR 1 जो फाइलिंग करेंगे उसको आप स्टेटस चेक करने के लिए आपको वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, GST पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद सर्विस में जाके रिटर्न में जाके ट्रैक कर सकते हैं आपका रिटर्न स्टेटस। SMS थ्रू आप रिटर्न मोबाइल में आप ये कर सकते हैं, आप लॉगिन करना पड़ेगा आपको GST पोर्टल में, आपको जो रिटर्न फाइलिंग करें उसको स्टेटस चेक करने के लिए। लेकिन रिटर्न पर जैसे यहाँ पे इस बोला गया है कि आपका 8 जून 2020 से जब शुरू हो गया है आपका नील रिटर्न मंथली जो 3B भरते हैं वो SMS थ्रू शुरू हो गया है, ऐसे ही अभी GSTR 1 भी शुरू हो जाएगा, 1 वीक जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो उसका प्रोसेस क्या है हम लोग प्रोसेस क्या है ना, SMS करना पड़ेगा पहले, आपको SMS करना पड़ेगा फॉर्म GSTR 1 का नील रिटर्न, किसको है, कौन सा नंबर में SMS करना है, ये वाला नंबर याद कर लीजिए 14409 में आपको SMS सेंड करना है। क्या लिख के सेंड करना है, पहले लिखना है ऐसे नील कैपिटल लेटर में NIL नील लिखना है, स्पेस देना है, R कैपिटल में लिखना है, 1 लिखना है, स्पेस देना है, आपका जिसका आप नील रिटर्न भर रहे हैं, जिसका GSTR 1 नील रिटर्न भर रहे हैं उसका GSTR नंबर लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद टैक्स पीरियड चूज करेंगे, जिस पीरियड का आप रिटर्न भर रहे हैं उसी पीरियड का आप वहाँ पे डेट देंगे। कैसे डेट देंगे, मंथ मान लीजिए मई महीने का आप भर रहे हैं, 05 जोड़ के रहेगा, इसमें स्पेस नहीं रहेगा 2020, ठीक है। आप मई महीने का जून में भर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मई महीने में जून में भर रहे हैं तो जून का नहीं देंगे आप, मई का देंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी तो जुलाई से शुरू होगा, फॉर एग्जाम्पल आप जुलाई का रिटर्न अगस्त में भर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जुलाई का रिटर्न आप अगस्त में भर रहे हैं, ड्यू डेट है अगस्त में, लेकिन आप अगस्त में जो रिटर्न भर रहे हैं SMS थ्रू जो करेंगे उसमें ये जो टैक्स पीरियड कौन सा चूज करेंगे, यानी यहाँ पे आप जुलाई चूज करेंगे, यहाँ पे 07/2020 वहाँ पे गैप नहीं रहेगा, आपका जो ईयर और मंथ में गैप नहीं रहेगा, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे लिखेंगे, नील कैपिटल में रहेगा, स्पेस देंगे, उसके बाद कैपिटल R1 देन स्पेस रहेगा, उसके बाद आपका GST नंबर जो होगा वो दे देंगे, उसके बाद स्पेस देंगे। मान लीजिए अप्रैल महीने का भर रहे हैं तो आप ऐसे स्पेस देंगे April 04/2020, अप्रैल का मई में भर रहे हैं ना, मई का नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जिस महीने का भर रहे हैं उसी का ही लिखेंगे, 04/2020 लिख के आपको क्या करना पड़ेगा ना, सेंड करना पड़ेगा, इसी नंबर में आपको सेंड करना पड़ेगा। सेंड करने के बाद वो 6 डिजिट का एक कोड आएगा आपका रजिस्टर मोबाइल में, मोबाइल नंबर में रजिस्टर मोबाइल नंबर में आ जाएगा, उसको आप क्या करेंगे ना ऐसे लिखेंगे सेंड, फिर दोबारा करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा CNF कन्फर्म लिख के स्पेस देना पड़ेगा, उसके बाद R1 कैपिटल R1 देन स्पेस देना पड़ेगा, जो 6 डिजिट कोड आएगा उस कोड को टाइप करना है, टाइप करके सेंड कर देना है 14409 में सेंड कर देना है। ऐसे आप सोचेंगे कि तो मंथली के बारे में आप तो यहाँ पे मंथली जो आप पीरियड जो चूज करते हैं टैक्स पीरियड आप मंथली के लिए बोल दिए, ऐसे क्वार्टर के लिए क्या होगा, मान लीजिए अप्रैल से लेके जून क्वार्टर, यानी एंड जो है आपका जून है तो आप जून ही यहाँ चूज करेंगे। यहाँ पे क्वार्टर का जो ऑप्शन, जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करते हैं GSTR 1, मान लीजिए अप्रैल से लेके जून एक क्वार्टर है 2020 का,
तो आप यहाँ पे डेट क्या चूज करेंगे टैक्स पीरियड का, आप जून का चूज करेंगे, यानी जिस क्वार्टर का आप भर रहे हैं उस क्वार्टर का एंड वाला जो है मंथ उसी को आप चूज करेंगे, यानी जुलाई जून का एंड है, ठीक है, इस क्वार्टर का एंड जून है, तो 06/2020 लिखना है। मंथ होगा तो आप जिस महीने का आप टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, जिस महीने का आप भर रहे हैं उसी महीने का देंगे, ना कि जिस महीने भर रहे हैं वो नहीं, आप जिस महीने का भर रहे हैं, ठीक है, अप्रैल का भर रहे हैं, मई में आप अप्रैल का ही इन्फॉर्मेशन देंगे, मई में जो आप नी रिटर्न फाइलिंग करेंगे, लेकिन आप क्वार्टर बेसिस में फाइलिंग करते हैं तो अप्रैल मई जून, जून का आप क्वार्टर जुलाई में भरते हैं ना, तो आप जुलाई में क्या देंगे जून का, जून का वह क्वार्टरली बेसिस जो लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं वो जून का देंगे, ना कि अप्रैल से लेके, ऐसे लिखना नहीं है आपको, ऐसे लिखना है कि कैसे जो लोग क्वार्टरली भरेंगे वो क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे, NIL कैपिटल लिखेंगे, स्पेस R1, देन GST नंबर, R1 के बाद स्पेस देना है, GST नंबर स्पेस देना है, उसके बाद मान लीजिए क्वार्टर आपका अप्रैल से लेके जून क्वार्टर है 2020 का, तो आप भरना है क्वार्टर एंड जो है जून का है ना, 06/2020 लिखना है, लिख के सेंड कर देना है आपका किस नंबर में ना, 14409 में सेंड कर देना। सेंड करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल में OTP आ जाएगा, वो OTP को आपको पुट करना पड़ेगा, फिर अभी दोबारा सेंड करना पड़ेगा SMS, क्या लिख के सेंड करना पड़ेगा, CNF कॉन्फर्म लिखना है, स्पेस देना है, CNF लिखना है कैपिटल लेटर में, स्पेस देना है, R1 लिखना है, R कैपिटल रहेगा 1, देन स्पेस देना है, उसके बाद आपका जो 6 डिजिट कोड आया होगा आपका मोबाइल में वो डिजिट कोड को देने के बाद सेंड कर देंगे, 14409 में सेंड कर देंगे, उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि एक्नोलेजमेंट आपका जेनरेट हो गया, SMS थ्रू आपको एक्नोलेजमेंट नंबर मिलेगा, इससे आप क्या कर सकते हैं ना, आपका GST1 नील रिटर्न जिन लोग भरते हैं वो SMS थ्रू इसी प्रोसेस में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबके पास शेयर करिए, आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, आपका जिस इस सर्कल में आप जितना शेयर कर सकते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन जाए, तो आप वो लोग SMS थ्रू भी रजिस्टर खुद सॉरी SMS थ्रू वो लोग रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं नील रिटर्न GST1। ठीक है दोस्तों, ये शुरू होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।